कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए SIG क्लासेस को और करे अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड MA इकोनॉमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स सेमेस्टर थर्ड का 2019 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, 2019 का पेपर। ओके, आई होप आप सभी को बेसिक पता हो। ठीक है, तो मेरे पास ना इस बार पास्ट ईयर मैंने लिए रखा है, देखते हैं। ये 2019 का पेपर जिसमें सेक्शन वाइज डिवाइडेड है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1, आप सभी को दिख रहा होगा। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। आपको बोला कि बॉक्स कंटेन 4 रेड बॉल, 5 व्हाइट बॉल एंड 6 ब्लू बॉल। सपोज दैट 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली। ठीक है, तो पहले इतना इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला पार्ट है, ए पार्ट। एक बॉक्स है जिसके अंदर ना रेड बॉल है 3, व्हाइट बॉल है 5, आई थिंक 4 है ना, 4 एंड ब्लू बॉल है 6, यही दे रखा है। रेड बॉल आपके पास 4 है एंड 5 बॉल है वाइट का एंड 6 है। अच्छा, ओके ओके, तो रेड बॉल है 4, तो इसमें मैं चेंज ही करता हूँ, 4 5 6 है। रेड बॉल 4, व्हाइट बॉल है 5 एंड ब्लू बॉल है 6। ओके, तीन बॉल निकाला गया है पहले पार्ट में, देखते हैं क्या पूछा है इसमें। बोला कि सपोज दैट 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल थ्री ऑफ द सिलेक्टेड बॉल्स आर सेम कलर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जो तीनों के तीनों बॉल लोगे वो सेम कलर का होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, हो सकता है या तो वो तीनों के तीनों बॉल, हमें प्रोबेबिलिटी निकाल ली है ना, बाकी जो इंग्लिश लिखते हैं वो सब आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। ये सब आप सभी को पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखना है। तो मैं बेसिकली क्वेश्चन समझाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो हो सकता है कि तीनों के तीनों बॉल इस 4 रेड बॉल से आया हो, प्लस हो सकता है कि तीनों के तीनों बॉल व्हाइट बॉल का हो, और हो सकता है तीनों के तीनों बॉल इस ब्लू बॉल का हो। तो 4C3 का मतलब तीनों के तीनों बॉल रेड बॉल का होगा, 5C3 का मतलब तीनों के तीनों बॉल व्हाइट बॉल का होगा, एंड 6C3 का मतलब तीनों का तीनों बॉल किसका होगा, तो ब्लू बॉल का होगा, अपॉन में 15C3। टोटल हमारे पास 15 बॉल है इस बॉक्स के अंदर में, तो इस 15 में से कोई 3 बॉल आए होंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। ओके, अब इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना आई होप आप सभी को आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था। इसके बाद दूसरे पार्ट में, मतलब 1A का पहला पार्ट था, इसके दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि इफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज कंसीडर्ड अ सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 8 बॉल विल बी ड्रॉन टू ऑब्टेन अ सक्सेस। बोला कि अगर ब्लू बॉल को निकालना हमारे लिए सक्सेस है, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि कम से कम हम लोग 8 बॉल निकाल चुके होंगे, उसके बाद जो है वो ब्लू बॉल मुझे निकलेगा, मतलब पहली सक्सेस मुझे मिलेगी। तो क्वेश्चन, इट इज अ साउंड लाइक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पढ़ते थे नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट फर्स्ट सक्सेस, कुछ अगर आपको याद हो, अगर आपने बेसिक पढ़ी हुए था। तो यहाँ पे ना हमारे पास एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर दूसरा सेकेंड करने के लिए ब्लू बॉल निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 6/15। मतलब ये जो 6 बॉल हमारे पास है ब्लू बॉल, इसमें से कोई एक बॉल निकलेगा तो ये मेरा फेवरेबल आउटकम है। तो ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी है 6/15। तो ये हमारे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, क्योंकि ब्लू बॉल ही निकालना हमारे लिए सक्सेस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर क्या है कि वो बॉल बाकी के 9 में से निकले, बाकी के 9 मतलब ये 5 व्हाइट एंड 4 रेड में से, तो ये क्यू की वैल्यू आ गई। आप सभी को पता है एक्स फॉलो, यहाँ पे पहले हम लोग एक्स बता देते, एक्स एक रेंडम वेरिएबल है विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट फर्स्ट सक्सेस, नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट फर्स्ट सक्सेस। तो एक्स फॉलो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विथ प्रोबेबिलिटी पी, पी का मतलब 6/15। तो यहाँ पे जिसकी PMF होती है आप सभी को पता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x इज नथिंग बट q पे पावर x-1 इंटू में
पी, तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इसको थोड़ा समझना, कम से कम कहने का मतलब यह है कि एटलीस्ट हम लोगों को 8 बॉल निकालने पड़ेंगे फर्स्ट सक्सेस पाने के लिए। तो इसका क्या मतलब है, इट ऑल्सो इम्प्लाइज कि शुरुआत के जो 7 हम लोगों ने ड्रॉन किए हैं, 7 टाइम्स जो ड्रॉन किए हैं, उन सब में हमें फेल्योर मिला ही मिला होगा। तो Q इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। तो 9/15 इंटू में 8वां बार में मुझे पहली ब्लू बॉल मिली होंगी, 6/15। ये आपका इस सेकेंड नंबर का इसका आंसर है। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, पहला पार्ट था 5 मार्क्स का, इजी क्वेश्चन थे। चलो आगे देखते हो इसके दूसरे, मतलब इस पास PYQ में इसका सेकेंड पार्ट नहीं बनाया गया है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे थोड़ा सा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही होगी, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, प्लीज समझना, और अगर आपके पास पास्ट ईयर है तो आप खुद भी खुद खोल लो पास्ट ईयर, ठीक है। बोला गया है कि अ सर्टेन फेडरल एजेंसी एम्प्लॉय 3 कंसल्टेंट कंसल्टिंग फर्म ABC, 3 फर्म है ABC विथ प्रोबेबिलिटी 0.40, 0.35 एंड 0.25। मतलब एक फेडरल एजेंसी है, वो 3 कंसल्टिंग फर्म को एम्प्लॉय करता है, वो ABC में से कोई भी हो सकता है, ए को चुनेगा वो, उसकी प्रोबेबिलिटी 40% है, बी को चुनेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 35% है, एंड सी को चुनेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 25% है। ओके चलिए, तो इतना पहले लिख ले, इस इंफॉर्मेशन से जो हमारे पास डिटेल्स आएगा वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कहने का मतलब एक कंसल्टिंग फर्म है ये, तीन किसी सॉरी एक फाइनेंशियल फर्म जो भी होता, एक एजेंसी है, वो 3 किसी भी फर्म को चुन सकता है, ए को बी को एंड सी को। ए को चुनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 40% है, बी को चुनेगा आई थिंक क्या क्या था 35, एंड सी को 25। बी को चुनेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 35 है, सी को चुनेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 25 है। ओके चलिए, अब आपसे क्वेश्चन आगे बोला है कि फॉर पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉस्ट अवरेंस फॉर द फर्म आर 5%, 3% एंड 15%। तो कुछ इस तरीके से बोला कि पास्ट एक्सपीरियंस से पता चला है कि जो प्रोबेबिलिटीज निकली है कॉस्ट ओवररन की, तीनों अलग अलग फर्म्स की, ABC की, तो ए का है 5%, बी का 3% और सी का है 15%। ओके, अगर ए का जो ओवररन कॉस्ट है वो है 5%, तो 0.05, बी का है 3%, 0.03 एंड सी का है 15%, 0.15, इतना ही है। चलिए अब आपसे पूछा है कि इट इज अ टाइप ऑफ बेस थ्योरम क्वेश्चन, बेस मतलब बेसिक प्रोबेबिलिटी में आपने बेस थ्योरम पढ़ा होगा, वहां से आप इस क्वेश्चन को, मतलब उस कंसेप्ट को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे बोला कि सपोज अ कॉस्ट ओवररन इज एक्सपीरियंस्ड बाय द एजेंसी, मतलब कॉस्ट ओवररन हो चुका है एजेंसी के द्वारा, ये एक्सपीरियंस कर हो चुका है बेसिकली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंसल्टिंग फर्म इन्वॉल्व इज कंपनी सी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एजेंसी है उसको कोस्ट ओवरन हुआ ये पता चल गया है, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एजेंसी फॉर्म सी से इम्प्लॉयज लेके बैठी होगी। ओके, तो कहने का मतलब दिस इज अ बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी इंग्लिश आप लिख लेना, तो फॉर्म सी से ले रखी, पहली बात तो फॉर्म सी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 0.25 और फॉर्म सी से ओवरन कोस्ट आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0.15, ठीक है। अपॉन में हो सकता है कि वो फॉर्म ए को चूज की हो 0.40 इनटू में फॉर्म ए से गलती होगी 0.05, प्लस हो सकता है कि फॉर्म बी को चूज की हो तो फॉर्म बी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 0.35, मतलब 35% है ना, तो 0.35 और फॉर्म बी से ओवरऑल कॉस्ट आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.03, एंड हो सकता है कि सच में उन्होंने फॉर्म सी को चुना हो तो फॉर्म सी को चुनने की प्रोबेबिलिटी 0.25 और इससे गलती होगी 0.15। ओके, इस चीज को सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। ओके, बेस थ्योरम है सिंपल सा, मतलब फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं इसमें और कुछ नहीं है। तो इसके बाद बोला कि दूसरे पार्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कंपनी ए, वो कंपनी ए होगा। तो सिंपल सी बात है, कंपनी ए होगा, लिख देना प्रोबेबिलिटी इट इज अ कंपनी ए, मतलब आपको पता ही किस तरीके से स्टेटमेंट लिखनी है। तो कंपनी ए होगा, तो कंपनी ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 40% और वो गलती करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 5%। ओके, तो कंपनी ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 40% है, गलती करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 5%। हो सकता है कि वो तीनों में से, मतलब डिनोमिनेटर सेम ही आएगा, हो सकता है कंपनी ए को चूज किया हो और वो गलती करेगा 5%, हो सकता है कंपनी बी को चूज किया हो गलती करेगा 3%, एंड हो सकता है वो कंपनी सी को चूज किया हो एंड गलती करेगा ये 15%। मतलब सेम दोनों में, डिनोमिनेटर में तो सेम ही रहेगा दोनों ही पार्ट में, सिर्फ न्यूमरेटर अलग अलग होंगे। तो बेस थ्योरम वाले जिनको मतलब पता है नॉलेज, वो तो आराम से क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की इसमें जरूरत है नहीं।
ये क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट था। क्वेश्चन नंबर टू के बी पार्ट थियोरटिकल है, डिफरेंस बिटवीन सैंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड क्या कहते हैं यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ओके, ये थियोरटिकल आप बुक से रीडिंग से देख के अपना आंसर करोगे। हाउ इज सैम्पल वेरियंस डिफरेंस फ्रॉम पॉपुलेशन वेरियंस, ये भी थियोरटिकल पेपर है, आप आराम से कर लोगे। तो ये सॉल्यूशन दे रखा था इन्होंने, तो यहाँ से भी सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थ्री के ए पार्ट में क्या बोला है, ठीक है, बोला कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू स्प्लिट अ डजन पीपल इंटू थ्री टीम्स, मतलब 12 लोगों को हमें तीन टीम्स में बांटना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमारे पास 12 पीपल है, इसको तीन अलग अलग टीम में बांटना है। ओके, अब देखते हैं आगे क्या बोला। बोला कि वेयर वन टीम हैज टू पीपल एंड अदर टू टीम हैज फाइव पीपल ईच। तो इसके पहले पार्ट में बोला है कि जो तीन टीम में आप बांटोगे ना, तो पहले टीम में दो लोग होने चाहिए, बाकी के दो जो टीम है उसमें पांच पांच लोग होने चाहिए। तो पांच पांच मतलब ये दो टीम तो सेम लग रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ वेज पूछा है ना, वेयर वन टीम इज, ठीक 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 है, हाउ मेनी वेज, हाँ हाउ मेनी वेज, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज पूछा आपको, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, अब पहले टीम में दो लोग आने चाहिए, तो इस 12 लोगों में से मतलब एक टीम में दो आने चाहिए, तो 12 लोगों में से कोई भी दो आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, इसकी क्या होगी, 12C2 नंबर ऑफ पेज प्लस इसमें से क्या आना चाहिए, नॉट प्लस इनटू 12C2 इनटू एंड फिर पांच पांच, तो बचे 10, तो 10 में से कोई पांच, 10C5 इनटू में बचे हुए 5C5, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, तो टोटल नंबर ऑफ वेज। लेकिन इस क्वेश्चन में ना हम क्या देख रहे हैं कि दो टीम सेम है, मतलब पांच पांच का, तो यहाँ रिपीटिशन से बचने के लिए हमें टू फैक्टोरियल से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। समझ में आ रहा है, 12 लोग हैं उसको तीन टीम में बांटना है, एक टीम में दो लोग रहेंगे, बाकी दो टीम में पांच पांच रहेंगे, तो एक टीम में दो लोग रहेंगे ये कैसे निकल सकता है, 12C2 से, बाकी दो में पांच पांच, तो 10C5 5C5। लेकिन ये जो पांच पांच लोग है ना, तो ये पांच पांच लोग हो सकता है रिपीट, ये तो मुझे पता है ना कि इस टीम में पांच है और इस टीम में पांच है, लेकिन एक्चुअली में कौन बंदा किस टीम में जाएगा, वो पांच का जो बेसिकली सेट है वो तो वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो इस रिपीटिशन से बचने के लिए हमने क्या किया, टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, क्योंकि दो टीम सेम है, दैट्स व्हाई। ये इसका पहला पार्ट था। इसके दूसरे पार्ट में क्या बोला कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू स्प्लिट अ डजन पीपल इनटू थ्री टीम्स वेयर ईच टीम हैज फोर पीपल, मतलब 12 ही लोग हैं और इस बार जो है जो तीन टीम में बांटेंगे वहां चार चार लोग होंगे, मतलब सब में सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा वो होगा 12 में से कोई चार चला जाएगा, फिर बचा 8 में से कोई चार चला जाएगा, और बचा हुआ चार तो जाएगा किसी एक टीम में, तो 4C4। और सिंस तीन टीम चार चार के बन रहे हैं, मतलब सेम ही बन रहे हैं, तो रिपीटेशन से बचने के लिए हमें यहाँ पे तीन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो भी इसका आंसर आएगा You will get your answer. ये जिन बच्चों ने क्लास 11th में permutation and combination अच्छे से पढ़ा है, उसको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगा इस क्वेश्चन में करने में। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर थ्री का ए पार्ट, 5 मार्क्स फ्री में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर बी मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, मैंने अभी पास्ट ईयर देखा था, तो मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा लग रहा है, और मैंने ज्यादा टाइम भी नहीं दिया इसके ऊपर कि मैं इसको देखूं किस तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी बच्चों ने किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो प्लीज मेरे साथ वो आंसर शेयर करें, मैं आंसर चेक कर दूंगा कि सही है क्या गलत है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर थ्री का बी अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास सेक्शन ए में टोटल तीन क्वेश्चन थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर वन कंपल्सरी था, क्वेश्चन नंबर टू एंड थर्ड में से किसी एक को आप चूज कर सकते हो, तो वो हम लोगों ने कर लिया। तो हम लोगों ने बेसिकली सारा ही क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन बस क्वेश्चन नंबर थ्री का बी मैंने आपको छोड़ा है आपके लिए, अगर आपने आप में से किसी भी एक ने अगर सॉल्व किया तो मुझे शेयर कर लेना। सेक्शन बी में देखते हैं, अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ठीक है। क्वेश्चन फोर देखते हैं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन फाइव फिर देखने क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर के पहला पार्ट बोला चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी सर्व एज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल। ओके, तो आपको पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर फोर का पहले पार्ट में जो फंक्शन दे रखा, आई थिंक ये क्वेश्चन बनाना बेकार ही होगा, सब बच्चों ने पहले से बना लिया होगा। x² 30 है और x की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 है। वैलिड प्रोबेबिलिटी फंक्शन होने के लिए इसका समेशन क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो बेसिकली समेशन
एक्स इक्वल टू वन से फोर, एक्स स्क्वायर अपॉन में 30 शुड बी इक्वल टू वन। तो एलएचएस सॉल्व करते हैं, जब मैं वन पुट करूंगा तो वन अपॉन में 30, टू पुट करूंगा तो फोर अपॉन में 30, जब थ्री पुट करूंगा तो नाइन अपॉन में 30, एंड जब फोर पुट करूंगा तो 16 अपॉन में 30। ये 30 अपॉन में 30 इज इक्वल टू वन सॉरी विच इज इक्वल टू आर एच एस, तो हैंस प्रूव वैलिड वैलिड पीएमएफ। ठीक है, देखते दूसरे पार्ट में, मतलब वैलिड प्रायोरिटी फंक्शन है बेसिकली। ओके, दूसरे पार्ट में बोला कि एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन में के इंटू में के प्लस वन। ओके, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स ही होना चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन में के इंटू में के प्लस वन, और एक्स की वैल्यू वन से लेके के तक है, तो ये वैलिड है या नहीं है, तो टू एक्स अपॉन में के इंटू में के प्लस वन। ओके, तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन में के इंटू में के प्लस वन है, और जो x की वैल्यू है वो 1, 2, 3 से लेकर k तक है। तो यहाँ पे भी समेशन ऑफ x इक्वल टू 1 से लेके k, जो भी फंक्शन हमारे पास दे रखा है इनका समेशन अगर 1 आ जाता है तो ये वैलिड पीएमएफ होगा। तो LHS से स्टार्ट करते हैं, तो LHS से जब स्टार्ट करेंगे तो जब मैं 1 पुट करूँगा तो 2 इंटू अपॉन में k इंटू में k प्लस 1 आएगा, जब मैं 2 स्टार्ट करूँ जब मैं 2 पुट करूँगा तो 2 इंटू जब 4 के इंटू में के प्लस वन, थ्री करेंगे पुट तो सिक्स अपॉन में के इंटू में के प्लस वन, प्लस डॉट डॉट डॉट, जब मैं के पुट करूंगा तो टू के अपॉन में के इंटू में के प्लस वन। ओके, यहां से अगर टू अपॉन में के इंटू में के प्लस वन को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा टू, यहाँ बचेगा थ्री, डॉट डॉट डॉट, यहाँ बचेगा के, एंड सम ऑफ एन नंबर का मतलब समेशन आपको पता ही है, तो टू इंटू में के इंटू में के प्लस वन, तो ये जैसे होता है सम ऑफ एन नंबर, एन इंटू में एन प्लस वन अपॉन में टू, तो ये क्या होगा के इंटू में के प्लस वन अपॉन में टू, ये टू ये टू ये टू सब कट जाएगा, इक्वल टू वन बचेगा विच इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो यस ये भी आपका वैलिड पी एम एफ है। अंडरस्टूड? तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो ए पार्ट जो चार मार्क्स में, तो फ्री के मार्क्स आपको मिले और कुछ नहीं है। कंसिडर द क्वेश्चन नंबर फोर का बी पार्ट में कर रहा हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सी डी एफ आपको दे रखा है, और फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, साफ साफ लिख भी दिया है, बाकी आप इसके रेंज से भी पता कर सकते हो कि ये बेसिकली आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो ये फंक्शन दे रखा है आपको, कुछ चीज़ें आपसे मांगी है। ओके, तो फंक्शन दे रखा है कि एफ जीरो है जब जीरो से छोटा हो एक्स, एक्स स्क्वायर है जब जीरो से वन के बीच में हो, और वन है जब एक्स ग्रेटर देन वन। ओके, तो पहले फंक्शन लिख ले फोर का बी पार्ट। आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज नथिंग बट जीरो व्हेन एक्स लेस देन जीरो, एक्स स्क्वायर है व्हेन एक्स जीरो से बड़ा हो एंड लेस देन वन हो, एंड वन है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन। ओके, आपसे तीन शायद पूछा है, देखते क्या सब। पहला पूछा प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ। ओके, एक पूछा है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ, एक आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी एक्स 2/3 से ज्यादा हो और एक से छोटा हो। ओके, 2/3 से ज्यादा हो एंड लेस देन वन हो, और एक आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 3/4। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जिन्होंने मतलब जिनको थोड़ा सा भी बेसिक पता होगा वो आराम से कर चुके होंगे। हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन हाफ, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं रेंज लिखूँ जीरो से लेके वन, तो हमें चाहिए जैसे रिलेटिव सपोज यहाँ पे हाफ है तो इसके पीछे का एरिया, और हमारे पास जो फंक्शन होता है सी डी एफ पीछे का ही एरिया बताता है, तो एफ ऑफ 1/2 इज नथिंग बट 1/2 से पीछे का एरिया बताएगा, और 1/2 इस रेंज में आएगा तो यहीं पे फंक्शन पुट करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट 1/4, तो इसका आंसर तो 1/4 आएगा। आपको बोला प्रोबेबिलिटी 2/3 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। ओके, मैं दोबारा से बना के दिखाता हूँ, 0 से लेके 1 हमारी रेंज है, हमें चाहिए 2/3 से बड़ा और 1 से छोटा ना, 2/3 से बड़ा 1 से छोटा, तो हमें ये रेंज चाहिए। ठीक है,
तो एक बात बताओ, एफ ऑफ वन का क्या मतलब है? एफ ऑफ वन का मतलब है कि आप वन से पीछे के पूरे एरिया की बात कर रहे हो, ठीक है। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं एफ ऑफ 2/3, तो एफ ऑफ 2/3 का मतलब है कि आप 2/3 से पीछे के एरिया बात कर रहे हो। तो वन से पीछे के पूरे एरिया में से 2/3 से पीछे के एरिया माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या? 2/3 से लेके वन तक का एरिया। तो बस, तो जब मैं एफ ऑफ वन इसमें पुट करूंगा तो वन का स्क्वायर वन आएगा, सॉरी अर्जन 2/3, जब 2/3 भी इसी के बीच में लाई करेगा तो 2/3 पुट करूंगा तो ये बेसिकली 4/9 आएगा, तो विच इज नथिंग बट 5/9। इसका आंसर 5/9 आ गया। बोला प्रायोरिटी x इज इक्वल टू 3/4, 3/4 से आगे का मतलब एरिया बताओ। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 0 से लेकर 1 की बात करता हूँ और ये 3/4 है, तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए, इसके आगे का एरिया पूरा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, इसके पीछे का एरिया से, इसके पूरे पीछे मतलब टोटल एरिया में से 3/4 वाला एरिया को माइनस कर दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब टोटल एरिया, किसी भी प्रायोरिटी का टोटल एरिया 1 होता है, तो 1 में से मैं एफ ऑफ 3/4 को माइनस कर दे रहा हूँ। तो 1 माइनस में 3/4, तो 3/4 डेफिनेटली लाई करेगा इसी 0 से 1 के बीच में, तो ये आ जाएगा 9/16, 7/16, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। 2, 2, 4, 6 मार्क्स मतलब आपको फ्री के मिले थे। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला है कि बुक स्टोर परचेज अ बुक एट ₹50 एंड सेल एट ₹80। लेट एक्स नंबर ऑफ बुक सोल्ड ऑन अ गिवन डे एंड सपोज पीएमएफ ऑफ दिस आपके पास गिवन है। कंप्यूट द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बुक सोल्ड ऑन अ गिवन डेज। ओके, तो बेसिकली ये एक्स जो दे रखा है, नंबर ऑफ बुक सोल्ड ऑन अ गिवन डेज दे रखा है, मतलब एक भी बुक नहीं मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 5% है, एक बुक मतलब बिकेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 10% है, दो बुक बिकेगी इसकी प्रोबेबिलिटी 20% है, इस तरीके से। तो पहले इसको हम लोग नोट कर ले। तो हमारे पास जो एक टेबल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, ओके, तो टेबल दे रखा है एक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05, 5%, 10, 20, 15, 24। ओके, तो 10, 20, 15 एंड 24 ये सब परसेंटेज है, एंड 20 एंड 6, ओके 20 एंड 6%, ये टोटल 1 होना चाहिए। तो 15, 20, 15, 35, 15, 50, 20, 70, 24, 94, 100, ठीक है। पहले पार्ट में बोला आपको कंप्यूट द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बुक सोल्ड ऑन अ गिवन डे, आपको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बुक निकालना है। तो कहने का मतलब x इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ x करोगे, तो 0.05 इंटू में 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0.10 इंटू में 1, तो ये बेसिकली 0.10 ही बचेगा, और ये आ जाएगा 0.40, ये आ जाएगा 0.45, 0.24 इंटू में 4 तो मैं एक बार कैलकुलेटर निकाल ही लो क्या, वैसे तो 24 चौके आई थिंक 96 होना चाहिए, बट कर लेते हैं। तो 0.24 इंटू में 4, तो ये आ गया 0.96, और ये आ जाए 1 सॉरी ठीक है 0.36 प्लस में 1 प्लस में 0.96 प्लस में 0.45 सेकेंड 0.45 प्लस में 0.40 प्लस में 0.10, ठीक है, ये आ रहा है बेसिकली 3.27। तो इसका जो पहले पार्ट का आंसर होगा आपके पास, बेसिकली ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बुक सॉल्ड होगा वो होगा एक दिन में 3, ठीक है, क्योंकि 3.27 3 के नजदीक है, तो ये ओके। नॉर्मल कैलकुलेटर पेपर में अलाउ है, तो आप नॉर्मल कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। इसके बाद है टू पार्ट में, सेकेंड पार्ट इसका कि सपोज द शॉपकीपर स्टॉक 6 बुक ऑन अ गिवन डे एंड द बुक नॉट सॉल्ड बाय द एंड ऑफ द डे इज रिटर्न एज 30, फाइंड द प्रोबेबल एक्सपेक्टेड नेट रेवेन्यू, ठीक है।
बोला कि अगर मान लेते हैं शॉपकीपर 6 बुक खरीद के लाता है बेचने के लिए, और पूरे दिन में, और अगर पूरे दिन में अगर कोई बुक बच जाती है, मान लो 6 में से 5 बिक गई और 1 बच गई, या 6 में से 4 बिक गई 2 बच गई, तो जो भी बचेगा बुक उसको रिटर्न कर देगी, और रिटर्न करेगी तो उसको 30 रुपये मिलेगा, और बुक वो खरीद रहा है 50 रुपये में, बुक को बेच रहा है 80 रुपये में। तो देखा जाए तो बुक का जो परचेज प्राइस है वो है 50, सेल प्राइस जो है वो है 80, और रिटर्न प्राइस जो है वो है 30 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, रैंडम वेरिएबल वाई। वाई इज नथिंग बट अ रिटर्न्स रेवेन्यू, सॉरी रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या है ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो वो 6 बुक खरीदता है, तो 6 बुक खरीदता है तो 6 बुक खरीदने में उसके पास कितने पैसे गए होंगे, तो एक बुक का कीमत है 50 रुपये खरीदता है तो, और 6 बुक खरीद रहा है तो 300 रुपये उसके जेब से गए होंगे, तो मैं यहाँ पे -300 लिख रहा हूँ। ठीक है, एक दिन में अगर 0 EX क्या बता रहा है, कितने बुक बिकेंगे, तो अगर 0 बुक नहीं बिके, मतलब कितने बुक बिकेगी, तो एक्स इक्वल टू 0 का मतलब एक भी बुक नहीं बिक रहा, तो एक भी बुक नहीं बिक रहा तो इसकी जो रेवेन्यू होगी वो क्या होगी यहाँ से 0। लेकिन जो 6 का 6 बुक है अगर नहीं बिका पूरे दिन में तो जाके रिटर्न कर देगा, तो जब रिटर्न करेगा तो उसको 30 रुपये के हिसाब से पैसे मिलेंगे, तो जो पैसे मिल रहे उसको 180 मिल रहा है, तो इन सब का डिफरेंस जो आ रहा है वो -120 आ रहा है, समझ में आया। सिमिलरली जब मैं बात करता हूँ कि अगर उसके भर पूरे दिन में एक बुक बिकती है, तो सबसे पहले वो 600 बुक लाया था, तो 300 रुपये तो उसने बुक वाले को पहले दिया होगा जहां से लाया था। एक बुक उसकी बिकी तो जो बिकी होगी वो 80 रुपये में बिकी होगी, क्योंकि एक बुक का प्राइस 80 है, तो 80 रुपये उसके पास मिले होंगे। अब 5 बुक उसके पास बच गया, तो 5 बुक क्या क्या होगा, रात में जाके उस बुक स्टोर में जाके दे दिया होगा बेसिकली, जिससे खरीदा था तो उसको दिया होगा, तो उसको 30 रुपये के हिसाब से 5 बुक के 150 रुपये मिल गए होंगे। तो यहां से मैं लिखूंगा 150 रुपये, तो यहां से जब मैं देखूंगा तो यहाँ पे आ रहा है -70। ठीक है ना, 8+13, ठीक है। अगर 2 बुक बेचता है तो सबसे पहले 6 बुक लेके आया तो 300 रुपये दिया होगा बुक वाले बुक स्टोर पे, 2 बुक बेचा कितने में बेचा होगा तो 160 में, बचे 4 को वापस किया होगा तो 120 मिले होंगे, तो अभी भी -20 हो रहा है। अगर 3 बुक बिका होगा तो पहले तो 600 -300 में 6 बुक लाया होगा, 3 बुक का 240 मिले होंगे, और 3 बुक रिटर्न किया होगा तो उसका 120 इसको मिला होगा, ओके 120 नहीं मिला होगा, 90 मिला होगा सॉरी। तो यहां से आपके पास आता है +30। ठीक है, 4 बुक की बात करें तो पहले तो 300 माइनस 300 में 6 बुक लाया होगा तो -300, 4 बुक जो बेचा तो 320 में बेचा होगा, 2 बुक वापस किए होंगे तो 60 मिले होंगे, तो यहां से इसके पास आया +80। 5 बुक की बात करें तो वही -300 में 6 बुक लाया होगा, 5 बुक बेचा होगा 80 × 5 400 में, और 1 बुक रिटर्न किया होगा तो 30 मिले होंगे, तो यहाँ से आया 130। और 6 बुक की बात करें तो 6 का 6 बुक अगर बेचा होगा तो 480 में बेचा होगा, रिटर्न इस बार आप 0 होगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 180, मतलब 180। अब इनके ये रेवेन्यू आने की जो एक्सपेक्टेशन होगी वो क्या होगी, वाई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, कि इतना ये होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, तो इसको कर ले तो -120 × 0 तो ये 0 हो जाएगा, -120 × 0.05 ना, ये तो 120 × 0.05, तो ये आ रहा है बेसिकली 6। बेसिकली हम लोग अब इस वाई को रेवेन्यू को और ये होने की प्रोबेबिलिटी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -120 × 0.05 तो यहाँ से आएगा -6, -70 × 10 तो यहाँ से आएगा -7, -20 × 20 तो आई थिंक 20 × 0.20 करते हैं ना तो 4 ही आएगा, तो ये आएगा बेसिकली -4, प्लस का 30 × बेसिकली 15%, तो 30 × 0.15 ये आएगा, प्लस का 4.5, 80 × 0.24, ओके तो 80 × 0.24 तो ये आएगा 19.2, 130 × 0.20 तो 130 × 0.20 तो ये आएगा मेरे हिसाब से 26, एंड 180 × 0.06, 180 × 0.06 ये आएगा 10.8। तो
10.8 प्लस में 26 प्लस में 19.2 प्लस में 4.5 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 6 तो ये आ रहा है 43.5। तो कहने का मतलब जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होगी, एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू होगी वो होगा 43.5। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का कहने का मतलब क्या है, जो आपने रेवेन्यू वाली वेरिएबल था वो, मतलब रैंडम वेरिएबल जो आपने सेट किया वो इनटू में प्रोबेबिलिटी, उसके होने की प्रोबेबिलिटी, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो एक्सपेक्टेड टर्म आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, जो कि बहुत ईजी था एंड 6 मार्क्स में पूछा है, तो ये भी आराम से आप लोगों से हो जाएगा। तो बी पार्ट देखते क्या है, बोला इन अ प्रोडक्शन फैसिलिटी द असेंबली टाइम ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी मे बी लुक्ड अपॉन अ रैंडम वेरिएबल विद एवरेज टाइम टेकन एज 35.4 मिनट्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 22.5 मिनट्स। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द असेंबली टाइम ओके ऑफ वन ऑफ द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी विल बी एटलीस्ट 36 मिनट एंड एट मोस्ट 34 मिनट। सबसे पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा आपके पास गिवन है नहीं, ओके और आपको बस दे क्या रखा है कि एक क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट ना मीन दे रखा है 30 इन अ प्रोडक्शन फैसिलिटी द असेंबली टाइम ऑफ अ प्रोडक्ट ए बी सी मे बी लुक्ड अपॉन अ रैंडम वेरिएबल विद एवरेज टाइम टेकन 35.4 मिनट। ओके, तो मीन दे रखा है आपके पास 35.4 मिनट एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपके पास 2.5 मिनट, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट असेंबली टाइम ऑफ वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन ए बी सी विल एट लीस्ट 36 मिनट एट मोस्ट 33.4 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो एक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 35.4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस 2.5 का स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे रूट 2.5 का, नॉट रूट 2.5 है, 2.5 का स्क्वायर ना, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 है, तो 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एट लीस्ट 36 मिनट, तो एट लीस्ट 36 मिनट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको स्टैंडर्ड बेसिकली नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एक्स माइनस में म्यू अपॉन में सिग्मा इज इक्वल टू एक्स, मेरे पास कितना है 36 माइनस में म्यू है 35.4 अपॉन में सिग्मा कितना है 2.5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ये ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है 36 माइनस में 35.4, तो 0.6 अपॉन में 0.2 0.5, तो 2.4 आता है, ठीक है। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 2.4, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल हमें बेसिकली पीछे का एरिया देता है, ये चाहिए आगे का एरिया, तो टोटल में से हम माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 2.4, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगा। तो 1 में से आप माइनस करोगे जेड टेबल, आपके पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन होगा, तो वहां से आप जेड लेस देन 2.4 की वैल्यू चेक निकालोगे, 1 में से माइनस करोगे, तो यू विल गेट योर आंसर, अंडरस्टूड। चलिए, इसके बी पार्ट में आपको बोला कि एट मोस्ट 33.4 मिनट, एट मोस्ट, ओके, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट मतलब ज्यादा ज्यादा 33.4 है ना, देख ले 33.4, ठीक है 33.4 मिनट, ओके। तो पहले इसको नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू, तो 33.4 माइनस में 35.4, यही तो म्यू था, अपॉन में 2.5, तो प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन इज इक्वल टू 33.4 माइनस में 35.4 अपॉन में 2.5, तो आई थिंक माइनस 0.8 आ रहा है। आराम से आप टेबल निकालोगे, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और उसकी वैल्यू चेक करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट भी बड़ी ही सिंपल था, इसलिए 4 मार्क्स में पूछा गया है, तो आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, समझना, अच्छा क्वेश्चन है।
बोला सपोज दैट फाइव पीपल ए बी सी डी ई आर स्टैंडिंग इन अ लाइन इन अ रैंडम ऑर्डर, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग बिटवीन पर्सन ए एंड बी, ओके फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ओके फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में देखो क्या सब बोला है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए पार्ट, ठीक है आई होप आप में से कईयों ने अच्छे से किया होगा। पांच लोग हैं जिनके नाम है ए बी सी डी ई, ठीक है एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड बी, नंबर ऑफ पीपल का बेसिस मतलब कि कितने लोग ए और बी के बीच में रहेंगे बेसिकली, मतलब अगर ए और बी है तो इनके बीच में कितने लोग आ सकते हैं वो एक्स रिप्रेजेंट करता है। अब एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल लिख दोगे, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ पीपल समथिंग इस तरीके से। तो अगर देखा जाए तो ए बी के बाद टोटल तीन लोग बचे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली जो मिनिमम होगा एक्स की वैल्यू वो जीरो हो सकता है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी एक ना हो, वो जो तीन है सी डी ई वो बाहर बैठे, हो सकता है इनके बीच में कोई एक हो सकता है इनके बीच में दो आ जाए, हो सकता है इनके बीच में तीन। तो जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो जीरो, जो मैक्सिमम हो सकता है वो थ्री हो सकता है, मतलब सी डी ई तीनों आ जाए इनके बीच में। तो हमें इनकी पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कोई ना हो। तो कहने का मतलब ए और बी आपस में एक जगह हो, बाकी जो सी डी ई है वो आपस में अलग रहे, समझ में आ रहा है। तो ए बी एक जगह हो तो ये आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ए बी या बी ए, तब भी तो ये साथ में ही कहलाएंगे। तो ए बी आपस मतलब साथ में खड़े होंगे, इसकी दो फैक्टोरियल, दो तरीका है ना कि ए बी हो या बी ए हो, दो तरीका है। अच्छा ये साथ में रहेंगे, ये टोटल एक सेट है, मतलब इसको हम एक मानेंगे, जो साथ में इसको एक मानेंगे, बाकी बचा ये सी डी ई, सी डी ई, तो ये एक ये एक ये, तो टोटल हमारे पास ये चार लोग हैं, इन चारों लोगों को हम जैसे मन तैसे खड़ा कर सकते हो, तो फोर का फैक्टोरियल। और टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज, पांच लोगों को हम कितने तरीकों से कर सकते हैं स्टैंडिंग, तो फाइव का फैक्टोरियल, कहने का मतलब पंचों के 20 या 60 दुनी 120, 120 तरीके से इनको खड़े कर सकते हैं ना। तो ये हमने क्या निकाला, पांच लोग हैं, पांचों को जैसे मन तैसे, तो फाइव का फैक्टोरियल। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया है कि ए बी को पहले, तो ए बी को हम लोग दो तरीके से खड़े सकते हैं, तो ए बी के लिए दो फैक्टोरियल रखा। अब ए बी को हम किसी एक एक मान रहे, तो एक सेट मान रहे क्योंकि ए बी हमेशा साथ रहेगा, बाकी तीन अलग है सी डी ई, तो तीनों मिलकर चार हो गए, तो इन चार को हम लोग फोर का फैक्टोरियल अलग अलग वे में खड़ा कर सकते हैं, इसलिए टू का फैक्टोरियल इंटू में फोर का फैक्टोरियल और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वेज व्हिच इज नथिंग बट 120। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 इनटू में 4 इनटू में 3 इनटू में 2 अपॉन में 120, तो देखा जाए यहां 10 आ जाएगा, तो ये बेसिकली 25, तो 2/5 आ रहा है, ठीक है तो 2/5 आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 कि ए और बी के बीच में इस बार कोई एक आदमी खड़ा हो, ए और बी के बीच में कोई एक आदमी आए और वो एक आदमी इन सी डी इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस ए और बी को हम लोग दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या तो ए बी हो या तो बी ए हो, इसका इसके लिए दो फैक्टोरियल मैंने लिख दिया इन टू में। अब इसके बीच में जो कोई एक आदमी आएगा वो इस सी डी ई में से कोई भी एक हो सकता है, तो 3c1, तो तीन में से किसी एक को चूज करने के हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं 3c1 इनटू में। जब मैंने इसमें से किसी एक को चूज कर लिया, लेट सपोज सी को चूज कर लिया, सी आ गया, तो ये अब एक हमारे लिए सेट बन गया, अब बाकी डी ई एक अलग है, तो टोटल एक दो और तीन सेट है, और इन तीन सेट को भी अलग अलग तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो इनटू में 3 का फैक्टोरियल, हॉल अपॉन में चल रहा है 120। समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे ए बी को एक सेट माना था, बाकी तीन लोग थे, तो तीन एक चार हो गए, चार फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे इसको एक सेट मानेंगे और बचा बस दो लोग, तो दो एक तीन, तीन का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 2 इंटू में 3 इंटू में 2 अपॉन में 120, तो बेसिकली अगर देखा जाए
तो ये आ जाएगा आपके पास 3C2, तो 3C1 का फैक्टोरियल 3 आता है ना। हाँ, और 3 फैक्टोरियल का आएगा 3। हाँ, 2 1 3, तो 3 2 6, 3 × 2 × 2, ठीक है, तो अपॉन में 120 चल रहा है। तो 3 से 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो बेसिकली ये 3/10 आ जा रहा है ना हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 हमारे पास आ रहा है 3/10। हम लोगों ने सही किया है ना, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 3 दूनी 6 और इसका 6, 36 अपॉन में अगर मान लेते हैं 120 करते हैं, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, बढ़ दिया 36, बढ़ देंगे 120, तो भाई ठीक है 3/10 ही आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है हमारे पास 3/10। चलिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जब 2 करेंगे तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ए और बी के बीच में आज 2 लोग रहेंगे, तो वो सी डी ई में से कोई भी 2 हो सकते हैं। सबसे पहले ए बी को 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 2 का फैक्टोरियल इन 2। अब यहाँ पे 2 लोग जो रहेंगे, तो ये सी डी ई में से 2 लोग लेने हैं, तो 3C2, तो 3C2 का मतलब उस 3 में से कोई 2 को ले रहे हैं। अब इस 3 में से जो 2 हमारे पास आया है, इसको भी तो हम लोग 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना, तो इसके लिए अलग से 2 का फैक्टोरियल। तो अब हमारे पास ये एक सेट बचेगा और यहां से कोई एक रहेगा, तो एक सेट और ये एक, तो ये 2 आदमी, तो इसको भी 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो इनके लिए भी 2 का फैक्टोरियल होल अपॉन में आएगा 120। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3C2 भी आई थिंक 3 ही आएगा, तो 2 3 2 2 अपॉन में 120, तो 3 × 2 = 12, 12 × 2 = 24 अपॉन में 120, तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू अगर 3 की बात करें, तो कहने का मतलब आज ए और बी के बीच में 3 लोग कोई भी आ सकता है, ठीक है, तो ए और बी को 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 2 का फैक्टोरियल। अब ये 3 लोग जो आएंगे, तो ये सी डी ई में से आएंगे, तो 3C3। अब ये इन 3 लोगों को भी हम लोग 3 अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, 3 का फैक्टोरियल, और ये पूरा का पूरा अब एक सेट बचा, तो 1 का फैक्टोरियल लिखने का कोई मतलब है ही नहीं। अपॉन में चल रहा है हमारे पास 120, तो बेसिकली 2 × 2 में 3C3, तो मेरे हिसाब से 1 ही होना चाहिए। 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 3 × 2 में 2 अपॉन में 120, तो 3 3 × 2 = 12, 12 × 2 = 120, तो 1/10 आ जाएगा। बस हम लोगों ने सारे प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, तो x 0 1 2 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x 0 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाला है 2/5, 1 रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाला है आई थिंक सो 3/10, ओके, एंड 2 रहेगा, इसका निकाला है 1/5, और 3 रहेगा, इसका निकाला है 1/10। तो थोड़ा इसको 10 10 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 4/10, और ये तो 3/10 रहेगा ही रहेगा, इसको भी 2 से करते हैं ऊपर नीचे, तो 2/10 और ये 1/10 रहेगा। देखते हैं क्या टोटल 10 आया, 4 3 7 दोनों एक, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, तो मतलब हमने ही जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। आई होप आपको ये ए बी सी डी ई को किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं वो समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला कि यहाँ पे आपके पास है, अ सोशल साइंटिस्ट क्लेम डेट ओनली 50% ऑफ ऑल हाई स्कूल ग्रेजुएट हु आर केपेबल ऑफ डूइंग कॉलेज वर्क एक्चुअली गो टू द कॉलेज, मतलब 50% ही जो हाई स्कूल के ग्रेजुएट है वो कॉलेज में वर्क करने के लिए कैपेबल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट अमंग 10 हाई स्कूल ग्रेजुएट हु आर केपेबल ऑफ डूइंग कॉलेज वर्क एग्जैक्टली फोर टू गो टू कॉलेज, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि अगर 10 हाई स्कूल ग्रेजुएट है तो उनमें से कितने लोग कैपेबल है कॉलेज वर्क करने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लिए कि एग्जैक्टली 4 लोग होंगे कैपेबल, और दूसरे बारे में प्रोबेबिलिटी निकाल लिए कि लेस देन 6 लोग होंगे। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बनने वाला है, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, एम दे रखा है आपको 10, टोटल 10 लोग हैं, 10 ग्रेजुएट हाई स्कूल के हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे रखा है 50%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर क्या हो जाएगी 0.5। एक्स फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में, हमें पहले पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 क्या होगा, इसकी पीएमएफ क्या होती है, एन सी एक्स, पी पे पावर एक्स, क्यू पे पावर एन माइनस एक्स।
तो बेसिकली एन टेन है, तो 10c4, 0.5 पे पावर 4 एंड 0.5 पे पावर 6 इस तरीके से। सॉरी, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। दूसरे पार्ट में बोला कि लेस देन 6, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 6 चाहिए। तो लेस देन 6 का मतलब क्या है, 5 4 3 2 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको चाहिए एक्स इक्वल टू 5 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, इतना चाहिए बेसिकली। अब सबको फिर लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो अगर टेबल नहीं दे रखा है तब तो आपको सबको x इक्वल टू 5 का लिखना पड़ेगा, 10c5, फिर 0.5 पे पावर 5, सॉरी 0.5 पे पावर फिर से 5, तो इसका लिखे, फिर इसका लिखना पड़ेगा, सबका लिख लिख कर उसके बाद ऐड करना पड़ेगा और कैलकुलेट करके तब आंसर देना पड़ेगा, तब फाइनल आंसर आएगा इसका ऐसा। और अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दे रखा है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी टेबल एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होता है जो पीछे के टोटल एरिया को बताता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 5 का बेसिकली मतलब क्या, लेस देन 6 का बेसिकली मतलब क्या, 5 और 5 से पीछे। तो सिंपली आपको बी ऑफ 5 टेबल में चेक करना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो अगर टेबल दे रखा है तो टेबल की हेल्प से चुटकियों में आंसर देना और बैठ मत जाना कैलकुलेशन करने के लिए। अब जिन बच्चों को कुछ कोई कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो बस पूरा 1 घंटा लगेगा बस इसी को सॉल्व करने के लिए। और डेफिनेटली अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी CDF टेबल देगा। ओके, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आई थिंक बी पार्ट जो हो चुका है, सिंपल है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पास्ट ईयर मैंने बहुत क्वेश्चन गलत, मतलब सारे लगभग क्वेश्चन को ना क्वेश्चन की सॉल्यूशन गलत ही दे रखा है, तो इसको बिल्कुल फॉलो मत करना, बिल्कुल बेकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है सेक्शन सी में, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, स्टूडेंट टेक अप अ कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन हिज ग्रेजुएशन प्रोग्राम, द प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट आंसर इन द एग्जाम ऑफ बोथ कोर्स इज डिनोटेड बाय एक्स एंड वाई and the joint probability distribution of this random variable can be approximate with the joint probability distribution दे रखा है आपको with the joint probability density as follow। this calculate करना है कि probability that the student answer more than 40% of the question correctly in both the test। दूसरे पार्ट में बोला the probability that he gets more than 80% answer correct in stats and less than 50% answer correct in बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सबसे पहले आप लोगों ने एक्स बेसिकली एक्स ले लेना स्टैट्स के लिए एंड वाई ले लेना मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। आपके पास जो फंक्शन दे रखा है 2/5, ये पता है इस तरह क्वेश्चन मैंने अपने बुकलेट में दिया भी है, बच्चों से करवाया भी है। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है ना फंक्शन हमारे पास, ठीक है। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज नथिंग बट 2/5 कोस्ट के अंदर में 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y, और ये तब है जब हमारे पास x है 0 से लेके 1, y भी 0, मतलब 0 से लेके 1 पर पूरा 100% की ही बात कर रहा है। x 0 से लेके 1, y भी बेसिकली 0 से लेके 1, ठीक है, अदरवाइज 0 जो भी है, अदरवाइज 0 दे रखा है। मतलब द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट आंसर मोर देन 40% of the question correctly in both the test। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि स्टूडेंट दोनों ही दोनों पेपर में 40% से ज्यादा आंसर को सही करे, मोर देन 40% ऑफ द क्वेश्चन करेक्ट आंसर दे, ठीक है। तो बेसिकली पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी x मोर देन 40%, तो x शुड बी 0.4 से लेके 1 तक, मतलब ये 40% से ऊपर, y 0.4 से लेके 1 तक, 2/5 2x प्लस में 3y इंटू में dx इंटू में dy, सिंपल है। x भी 40% से ऊपर, y में भी 40% से ऊपर करेक्ट आंसर देगा, और आपके पास फंक्शन गिवन है, इंटीग्रेट पहले एक बार y के रिस्पेक्ट में कर देना, फिर x के रिस्पेक्ट में करके वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना। तो पहले पार्ट का आंसर कंप्लीट आपके पास। दूसरे पार्ट में क्या बोला, दूसरे पार्ट में बोला कंप्लीट कहने का मतलब यह है कि इसको आपको सॉल्व करना है, ये तो मैंने लिखा करना क्या, बाकी इंटीग्रेशन है वो कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है।
दूसरे पार्ट में बोला कि द प्रोबेबिलिटी डेट ही गेट मोर देन 80% आंसर करेक्ट इन स्टेट्स, मतलब 80% स्टेट्स में, 80% से ज्यादा स्टेट्स में सही आंसर देगा और 50% से कम माइक्रो में देगा। तो 80% से ज्यादा स्टेट्स में देगा तो x इज इक्वल टू 0.8 से लेके 1 तक, और y टेंड्स फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें 50% से कम आंसर देगा। तो मैक्सिमम इसका रेंज होगा 50 और मिनिमम होगा y इक्वल टू 0। समझ में आया? तो 2/5 2x प्लस में 3y इंटू में dx इंटू में dy। फिर इसको, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें ना, यू विल गेट योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट करने के बाद देखते हैं किस बी पार्ट में क्या बोला है। ओके, बी पार्ट में बोला द नंबर ऑफ कोर्स टेकन अप बाय स्टूडेंट एट अ यूनिवर्सिटी हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एक्स 1, 2, 3 प्रोबेबिलिटी दे रखा 0.2, 0.6 एंड 0.2। लेट एक्स 1 एंड एक्स 2 बी द नंबर ऑफ कोर्स ऑब्टेन बाय द टू स्टूडेंट एंड ईच हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज द पॉपुलेशन। ठीक है, ओके, डिटरमाइन द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस। बेसिकली आपको सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और उसका एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस निकालना है। आपके पास गिवन क्या है, एक्स है 1, 2, 3 मतलब नंबर ऑफ कोर्स, और प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.2, 0.6 एंड 0.2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, एक्स नंबर ऑफ कोर्स 1, 2, 3 इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 0.2, 0.6 एंड 0.2। तो पहले पार्ट में सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। सबसे पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे जो कैपिटल एन है वो 3 है, मतलब 3 कोर्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसमें से 2 कोर्स लेके हमें बनाना है ना, एक्स 1 एंड एक्स 2, नंबर ऑफ कोर्स ऑप्टेड बाय द टू स्टूडेंट। तो बेसिकली मेरे पास स्मॉल एन भी गिवन है, तो एन इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन में विथ रिप्लेसमेंट लेके चलना है या विदाउट, ये कुछ गिवन भी नहीं है, और नॉर्मल सी बात है कि दोनों को साथ में लेके चले, दो अलग अलग बेसिकली स्टूडेंट है एंड दो अलग अलग कोर्स है, तो विथ रिप्लेसमेंट ही चलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब जो सैंपल बनेंगे विथ रिप्लेसमेंट में, टोटल नंबर ऑफ वेज जो है आपको पता होगा एन पे पावर एन मतलब 3 पे पावर स्क्वायर मतलब 9 बनेंगे। तो सबसे पहले इसका सैंपल तैयार कर ले। तो सैंपल 9 सैंपल होगा, वो किस तरीके से हो सकता है हो सकता है कि दोनों 1-1 ये सब्जेक्ट ले ले, हो सकता है एक 1 ले दूसरा 2 ले, हो सकता है एक 1 ले दूसरा 3 ले, हो सकता है कि दोनों 2-2 ले ले, एक 2 ले 1 ले, एक 2 ले और दूसरा भी दूसरा 3 ले ले, हो सकता है दोनों 3-3 ले ले, एक 3 ले और एक 1 ले, एक 3 एक 2 इस तरीके से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 बन गया ना। अब इसका सैंपल मीन निकालते हैं एक्स बार तो एक्स बार कैसे निकलेगा पता है, 1-1 पे मतलब इसलिए इनको ऐड करते हैं हम लोग, 1 और 1, 1 1 + 2/2 नंबर ऑफ है 2 है ना, तो 1 + 1 2/2 तो इसका 1 आ जाएगा, 2 + 1 3/2 इसका 1.5 आ जाएगा, 3 + 1 4/2 इसका 2 आ जाएगा, 2 + 2 4/2 2 आ जाएगा, 2 + 1 3/2 1.5 आ जाएगा, 3 + 2 2.5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो देखा जाए तो मैं एक्स बार को ऐसे लिख सकता हूँ, अलग अलग नंबर मुझे जो दिख रहे हैं एक्स बार में वो दिख रहे हैं, एक तो 1 और एक दिख रहे हैं 1.5 और एक दिख रहे हैं 2 और एक दिख रहे हैं 2.5 और एक दिख रहे हैं 3। अब इस इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 1 कितनी बार है, तो एक बार, एक ही बार है, टोटल 9 है ना, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/9। 1.5 कितनी बार है, तो एक बार है, दो बार है, दो बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/9। 2 कितनी बार आया हुआ है, तो 1, 2, 3 तो 3/9 को 1/3/9 ही लिखते हैं, 3/9। 2.5 कितनी बार है, 1, 2 बार है, तो 2/9 और 3 एक ही बार है, तो 1/9। जब टोटल को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही बनेगा, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 9, 1। तो ये आपका सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो चुका है। इतनी बात समझ में आ गई, तो पहले पार्ट का आंसर यहीं पे खत्म होता है। अब दूसरे पार्ट में आपको इसका एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस निकालने के लिए बोला है।
तो सिंस दूसरे पार्ट के लिए एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस निकालने के लिए अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे, तो हम एक्स बार अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार करेंगे, तो इससे एक्सपेक्टेशन आएगा, ये आ गया 1/9, 2 इंटू में 1.5 अपॉन में 9 आएगा ना, तो इसको मैं एक बार कैलकुलेट कर लूँ, 1.5 इंटू में 2, बेसिकली ये 3/9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/9, इसको इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा बेसिकली 5/9 और ये आ जाएगा बेसिकली 3/9, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 3 8, 8 6 14, 3 17 1 18, तो 18/9, तो कहने का मतलब जो एक्सपेक्टेशन आया है हमारे पास एक्स बार है वो 18/9 विच इज नथिंग बट 2, तो ये 2 आया आंसर। इसमें वेरियंस भी हमें निकालना है, तो वेरियंस क्या निकालेंगे, वेरियंस के लिए पहले मैं ना ये निकाल रहा हूँ एक्स बार का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये क्यों निकालो मैं समझाता हूँ आपको, एक्स बार का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बेसिकली ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, जैसे ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार था ना, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ ये एक्स बार था, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, तो एक्स बार का 1 का स्क्वायर, यहाँ से 1 का स्क्वायर इंटू में ये, तो 1 का स्क्वायर इंटू में 1/9, तो ये 1/9 ही आएगा, एक सेकेंड, ओके ठीक है, ओके तो यहां से हमारे पास ये आ गया 1/9, अब यहां 1.5 का स्क्वायर इंटू में 2/9, तो 1.5 इंटू में 1.5, तो 2.25 और इंटू में करेंगे हम लोग 2/9, 2, ये बेसिकली आ जाएगा 4.5/9, सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4 इंटू में दिस, तो यहां से आ जाएगा 12/9, 2.5 का स्क्वायर कर ले, 2.5 का स्क्वायर और इंटू में 2, ये आ जाएगा 12.5 अपॉन में 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9/9, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12.5 प्लस में 9 प्लस में 12 प्लस में 4.5 एंड प्लस में 1, तो ये आ रहा है हमारे पास 39/9। तो आप सभी ने एक फॉर्मूला देखा होगा कि जो वेरियंस ऑफ एक्स होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर और माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे निकालो वेरियंस, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमने क्या निकाला, तो 39/9 निकाला, देख लो 39/9 है ना, और ये हम लोगों ने क्या निकाला है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो देखा जाए तो 39 माइनस में 36 अपॉन में 9, तो बेसिकली हमारे पास 3/9, तो 1/3 हमारे लिए वेरियंस आ जाएगा। तो इसके दूसरे पार्ट में जो बोला था कि डिटरमाइन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरियंस, तो वो भी हो चुका है, इतनी बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन नंबर 7 डन है, 6 मार्क्स का था, अब हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या बोला आपको कि इफ द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वाई इज गिवन दिस, आपको दे रखा है, सबसे पहले पार्ट में बोला, मैं रीड कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता विजिबल होगा, सो दैट देयर कोवेरियंस इज जीरो इवन दो द टू रैंडम वेरिएबल इज नॉट इंडिपेंडेंट, आपको इसका कोवेरियंस को जीरो प्रूफ करना है, और तब प्रूफ करना है मतलब जबकि जो दोनों एक्स वाई है ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है, अंडरस्टूड, तो सबसे पहले लिख ले एक्स वाई, x और y की -101 वैल्यू है, तो पहले मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेता हूँ, ज्वाइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 का a, ठीक है, हमारे पास एक x है और एक y है, x की वैल्यू है -1 0 and 1 एंड y की वैल्यू भी है -1 0 and 1, इसके क्रॉसपॉन्ड में इनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है हमारे पास, ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी है 1/6, 1/3 और 1/6, तो 1/6, 1/3 एंड 1/6, और ये है 0 0 0 एंड इसके बाद आपके पास है 1/6 0 और 1/6, तो 1/6 0 और 1/6, अगर टोटल को ऐड किया जाए तो 1
दो एक तीन एक चार पाँच छः, टोटल वन आ जाएगा, मतलब सही है आपके पास गिवन टेबल। ओके तो सबसे पहले एक बात होता है कोवेरियंस क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू में एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। हमें प्रूफ करना है कोवेरियंस जीरो होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालेंगे, सॉरी फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकालेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को निकालने के लिए सबसे पहले हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालने के लिए सबसे पहले हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। तो हमारा जो पहला काम है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स निकालना, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या सब है माइनस वन जीरो एंड वन, और इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कैसे निकालते हैं, माइनस वन पे एक्स के माइनस वन पे क्या सब है, एक वन बाय सिक्स, जीरो एंड वन बाय सिक्स, तीनों को ऐड करेंगे ना तो ये आ जाएगा टू बाय सिक्स। एक्स के जीरो पे क्या सब है, वन बाय थ्री, जीरो और जीरो, ये आ जाएगा वन बाय थ्री, और एक्स के वन पे क्या सब है, वन बाय सिक्स, जीरो वन बाय सिक्स, तो ये आ जाएगा टू बाय सिक्स। तो अच्छा डिनोमेटर को सेम रखने के लिए क्या मैं वन बाय थ्री को टू बाय सिक्स लिख दूं, तो मैं यहाँ पे वन बाय थ्री को ऊपर नीचे वन टू से मल्टीप्लाई करके 2 बाय 6 लिख देता हूं, तो ये बेसिकली इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, सिमिलरली मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y निकालना है हमें, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1 0 एंड 1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू y अगर निकाल लेंगे तो y के लिए अगर चेक करें तो माइनस 1 की बात कर रहे हैं, तो माइनस 1 पे क्या है 1 बाय 6, 1 बाय 3 एंड 1 बाय 6, तो देखा जाए तो 1 बाय 6 इसको 2 बाय 6 माने, तो 1 बाय 6, 2 बाय 6 और 1 बाय 6, तो ये बेसिकली 4 बाय 6 आ जाएगा। और y इक्वल टू 0 पे क्या है 0, 0, 0, तो ये 0 आ जाएगा, और y इक्वल टू 1 पे 1 बाय 6, 1 बाय 6, तो ये बेसिकली 2 बाय 6 आ जाएगा, ये भी इक्वल टू 1। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y आ गया। तो यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ x आराम से निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होता है x समेशन ऑफ x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो मतलब माइनस वन इंटू में टू बाई सिक्स, ये माइनस वन इंटू में टू बाई सिक्स प्लस जीरो इंटू में टू बाई सिक्स प्लस वन इंटू में टू बाई सिक्स, यही होगा ना। तो यहां जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जीरो आ जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जीरो आ रहा है। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालेंगे, ये क्या होगा, तो माइनस वन इंटू में फोर बाय सिक्स प्लस जीरो इंटू में जीरो प्लस वन इंटू में टू बाई सिक्स, इन सब का समेशन, तो माइनस फोर बाय सिक्स और प्लस टू बाई सिक्स, तो बेसिकली यहां से आपके पास माइनस टू बाई सिक्स आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। समझ में आया, चलिए टेबल हमारे पास यहाँ है, ध्यान से देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई होता है बेसिकली आपके पास कहते हैं का मतलब है कि समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई एक्स वाई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वाई, ये होगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स एंड वाई की जो वेरिएबल है वो माइनस वन जीरो वन है, तो मैं वाई पुट करके फिर एक्स पुट करूंगा। तो कहने का मतलब समेशन ऑफ एक्स और y को मैं पुट कर दे रहा हूँ, तो y की वैल्यू बेसिकली एक बार माइनस वन जीरो वन है ना, तो एक बार y को माइनस वन पुट करते हैं, तो x y है मेरे पास माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस वन, फिर प्लस x y की वैल्यू जीरो, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x एंड y इक्वल टू जीरो, इसी तरह करते हैं ना, याद है ना, फिर प्लस हमारे पास क्या होगा x और y की वैल्यू वन, मतलब तीनों वैल्यू y की मैंने ले ली है, और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x एंड y इक्वल टू वन, समझ में आया। अब x की हर एक वैल्यू को y के हर एक कॉम्बिनेशन के साथ हमें लेना है, तो x हमारे पास एक बार माइनस वन होगा, तो एक बार x के माइनस वन को हर एक कॉम्बिनेशन में लेके चलते हैं, तो एक बार x का माइनस वन और x की समेशन लगा रहे हैं बेसिकली, तो x का माइनस वन, y का तो माइनस वन चल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू माइनस वन कोमा y इक्वल टू माइनस वन, प्लस
अब वाई के जीरो के साथ एक्स का माइनस वन, तो माइनस वन और वाई का है जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड वाई इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ पे भी एक्स का माइनस वन, वाई का वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड वाई इक्वल टू वन। प्लस अब x का माइनस वन के साथ तीनों y के कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई कर दिए, अब x के जीरो के साथ करेंगे, तो x का जीरो, y का माइनस वन, यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू जीरो y इक्वल टू माइनस वन। प्लस यहाँ पे फिर x का जीरो, y का जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू जीरो कोमा y इक्वल टू जीरो। प्लस यहाँ पे x का जीरो, y का वन, probability of x is equal to 0 and y equal to 1. अब x का मेरे पास 1 बचा है, तो 1 into में minus 1, probability of x is equal to 1 and y equal to minus 1, plus probability of 1 into में 0, probability of x equal to 1 and y equal to 0, plus 1 into में 1, probability of x is equal to 1 and y equal to 1। तो मतलब कि दोनों x और y के सारे कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने एक साथ लिख लिया, अब बस प्रोबेबिलिटी पुट करना है। तो प्रोबेबिलिटी में रेड कलर के मार्कर से पुट कर रहा हूँ ध्यान देखना, माइनस वन इंटू में वन मतलब माइनस वन और माइनस वन, तो वन आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू माइनस वन और y इक्वल टू माइनस वन। तो अगर मैं डेटा थोड़ा सा आपको दिखाऊं, तो ये रहा ना बेसिकली एक्स इक्वल एक्स के माइनस वन और वाई के माइनस वन पे जो वैल्यू है वो वन बाय सिक्स है, तो वो मैंने लिखा यहाँ पे वन बाय सिक्स प्लस में, ठीक है। यहां से तो जीरो से जब मल्टीप्लाई होगा तो सारा टर्म जीरो बन जाएगा, फिर प्लस यहां से माइनस वन और माइनस वन, तो यहां से मैं लिख दू सीधा माइनस, तो प्लस वन लिख के सीधा माइनस लिखते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस वन और इनटू में x का माइनस वन y का वन, तो x का माइनस वन और y का वन भी वन बाई सिक्स दे रहा है, तो इसको भी माइनस वन बाई सिक्स सीधा लिख देते हैं। प्लस ये टर्म जीरो बन जाएगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो तीन जीरो आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, क्योंकि सब जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो ही आ जाएगा। अब इस टर्म में देखे तो वन इंटू में माइनस वन, तो ये माइनस आ रहा है माइनस वन, और इंटू में एक्स का वन वाई का माइनस वन, एक्स का वन y का माइनस वन, वन बाई सिक्स आएगा। प्लस ये टर्म जीरो बन जाएगा क्योंकि y का जीरो जीरो से मल्टीप्लाई कर जीरो बन जाएगा। प्लस यहाँ पे वन इंटू वन और x का वन और y का वन पे भी जो है वन बाई सिक्स है, तो वन बाई सिक्स, ये सब सभी को पता ही होगा। तो यहाँ देखा जाए तो ये प्लस का वन बाई सिक्स, ये माइनस का वन बाई सिक्स, यहाँ माइनस का वन बाई सिक्स, ये वन बाई सिक्स सब कट जाएगा, और एक्सपेक्टेशन एक्स वाई भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा था कोवेरियंस का, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई जीरो आ रहा है, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जीरो आया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आया था माइनस टू बाई थ्री, और इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो आएगा, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हमारे पास जीरो आ रहा है, ये प्रूव हो चुका है। और एक चीज लिखा था वहां पे ना कि इवन की एक्स और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो अगर इंडिपेंडेंट होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई, ये इक्वल होता किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x के इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू y के, अगर इंडिपेंडेंट होता तो मैं कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले लूंगा, लेट्स सपोज मैंने लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो ये मस्ट भी इक्वल होना चाहिए किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1। तो जब हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x और y 1, मतलब x के 1 और y के 1 पे 1 बाय 6 आ रहा है, तो एल एच एस तो हमारे पास आएगा 1 बाई सिक्स ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से, और आई एच एस कैसे आएगा, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1, तो हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया था, तो x के 1 पे 2 बाई सिक्स है और y के 1 पे भी 2 बाई सिक्स है, तो 2 बाई सिक्स इंटू में 2 बाई सिक्स, तो ये आ जाएगा बेसिकली 4 बाय 36 ना, तो देखा जाए तो ये आपस में इक्वल नहीं है, समझ में आ रहा है, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हैंस x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट, x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट लिख लेना बेसिकली, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, अच्छा क्वेश्चन था, जिसको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली पुट करके निकाल सकता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट में मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ आपको, बोला है यहाँ पे कि लेट x1 x2 x3 तीन वेरिएबल है रिप्रेजेंट द टाइम नेसेसरी टू परफॉर्म थ्री सक्सेसिव रिपेयर टेक्स अ सर्टेन सर्विस फैसिलिटी सप्लाई सपोज दे आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद वैल्यू μ1 μ2 μ3 एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर एंड सिग्मा थ्री स्क्वायर इफ मीन आर 40, 50, 60 एंड वेरियंस आर 10, 12, 14। ठीक है, देखो पेपर में ना आपको बता क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 के बी में आपको दे रखा है μ1 μ2 एंड μ3, इसकी वैल्यू दे रखी है μ1 μ2 μ3 40, 50, 60 40, 50 and 60 एंड वेरियंस भी दे रखा है सिग्मा स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर सिग्मा थ्री स्क्वायर 10, 12, 13 ये दे रखा है ना, देख ले एक बार, 10, 12, 14 और ये है 40, 50, 60। ठीक है, तो 40, 50, 60 एंड 10, 12, 14 दे रखा है आपको, बोला कि रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट करो एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन 160 और x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 2x3। पहले तो ये कर लेते हैं, हमें पहले पार्ट में कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 160। साफ साफ हमें पता है कि x फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन एंड सिग्मा स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या किया ना, एक w ले लिया, मैंने लिया लेट w इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 प्लस में x3। ये हमने w लिया, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ w क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ w आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x। क्लास में मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 और प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ x3। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन है मेरे पास 40, ये गिवन है 50 और ये गिवन है 60, तो 6, 5, 11 चल, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ w, मतलब w का जो मीन आया वो 150 आया। सिमिलरली वेरियंस निकालना हो तो वेरियंस ऑफ w क्या आएगा, वेरियंस ऑफ x1 प्लस में वेरियंस ऑफ x2 प्लस में वेरियंस ऑफ x3। तो वेरियंस ऑफ x1 क्या आएगा, वेरियंस ऑफ x1 सॉरी 10, 12, 14 प्लस में 14, तो 14, 2, 16, 26, 36 ये हमारे पास 36 आ जाएगा, तो वेरियंस ऑफ w भी आ गया। तो कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं w फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 150 एंड वेरियंस 36, मतलब 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इज लेस देन 160 और x1 प्लस x2 x3 हमारे पास w है, तो मैं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ w लेस देन इक्वल टू 160 निकालना चाहता हूँ। तो w नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो मैं इसको पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर दूंगा फिर सॉल्व करूंगा। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए w माइनस में क्या कहते हैं मीन, जो भी एक्सपेक्टेशन है, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ w होल अपॉन में सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू 160 माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ w 150 है और सिग्मा है हमारे पास 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू हमें चाहिए 10 अपॉन में 6, तो मैं करके दे दूं सॉरी 10 अपॉन में 6 क्या आएगा, 10 अपॉन में 6 ये आएगा 1.67। जेड के टेबल आप सभी को देखने आता है, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरे पार्ट में बोला कि x1 प्लस x2 शुड बी ग्रेटर देन 2x3। ठीक है, x1 प्लस x2 2x3 से बड़ा हो। ओके, इसके दूसरे पार्ट में आपको जो निकालने के लिए बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 शुड बी ग्रेटर देन 2x3। चलिए ये भी देख लेते हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इनइक्वालिटी को, x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमने यहाँ पे लेट लिया कि y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस 2x3। इतनी बात समझ में आ गई? तो बेसिकली हमें अब निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये निकालना है बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकाल लेते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई एक्स वन प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू माइनस में टू टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स थ्री। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन आई थिंक 40 था, ये था 50 और ये माइनस टू टाइम्स 60, तो बेसिकली 90 माइनस में 120, तो ये आ जाएगा माइनस 30। वेरियंस की बात करें तो वेरियंस ऑफ वाई क्या होगा, वेरियंस ऑफ एक्स वन प्लस में वेरियंस ऑफ एक्स टू प्लस में वेरियंस ऑफ माइनस टू टाइम एक्स थ्री। वेरियंस ऑफ एक्स वन 10, वेरियंस ऑफ एक्स टू 12 एंड वेरियंस ऑफ एक्स थ्री, तो माइनस जो कांस्टेंट का स्क्वायर बाहर आता है तो माइनस टू का स्क्वायर बाहर आएगा, तो 4 टाइम एक्स थ्री, तो 4 टाइम वेरियंस ऑफ एक्स थ्री, एक्स थ्री का वेरियंस था 14, तो ये आप आ जाएगा आपके पास, तो 14 चौके 56, 2 8 10 68, 78 आ जाएगा, तो वेरियंस ऑफ वाई 78 आ जाएगा। तो अब जो हम लोग लिखेंगे कि वाई फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ प्रोबेबिलिटी, सॉरी नॉर्मल विथ मीन माइनस 30 एंड वेरियंस माइनस 78 का, सॉरी 78 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, अंडर रूट 78 का होल स्क्वायर हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अगर देखा जाए तो जेड में कन्वर्ट करें तो प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 30 अपॉन में अंडर रूट 78। इसको सॉल्व करके आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हो, यू विल गेट योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यही था, 4 मार्क्स से पूछा था, सिंपल क्वेश्चन था, आराम से बनने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे बोला द मंथली इनकम ऑफ अ रेसिडेंट ऑफ अ सिटी इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन ऑफ 30,000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5,000 इफ रैंडम सैंपल 50 ओके इज टेकन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर एवरेज मंथली इनकम विल बी मोर देन 24,000 एंड बिटवीन 20,000 से 30,000। ओके, दो क्वेश्चन नंबर मैं 9 का ए पार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में देखो क्या बोल रखा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट आपके पास मीन दे रखा है, पॉपुलेशन मीन 30,000, उसके बाद आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, आई थिंक सो ये ना स्टैंडर्ड डेविएशन 5,000 और सैंपल साइज दे रखा है एन 50, सैंपल साइज दे रखा है एन 50। यहां से आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन निकाल सकते हो, सिग्मा एक्स बार निकाल सकते हो, विच इज नथिंग बट 5,000 या स्टैंडर्ड एरर भी इसको बोलते हैं हम लोग, 5,000 अपॉन में अंडर रूट एन, तो बेसिकली 5,000 अपॉन में अंडर रूट 50 जो कि आपके पास आएगा मैं करके दिखाऊं तो अंडर रूट 50 तो 5,000 डिवाइड बाय, तो बेसिकली 707.11 आ रहा है, ठीक है 707.11। हमें पहले पार्ट में निकालना है इसका प्रोबेबिलिटी मोर देन 24,000, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है एक्स एक्स बार इज मोर देन सैंपल मीन है ना, देखिए एक बार व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर एवरेज मंथली इनकम विल बी मोर देन 24,000, ठीक है। तो एक्स बार इज मोर देन 24,000, ये निकालना है। तो सिंपल सी बात है, एक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको आप पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो, तो चैट ग्रेटर देन 24,000 माइनस में 30,000 होल अपॉन में 707.11। इसको सॉल्व करोगे तो प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन हो जाएगा आपके पास बेसिकली 6,000 डिवाइडेड बाय 707.11, तो 8.48 आया आई थिंक सो आ रहा है, तो माइनस 8.48। और सिंस जेड हमें पीछे का एरिया दे रहा है तो 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन माइनस 8.48। और मुझे जहां तक ये पता है कि माइनस 8.48 से पीछे का जेड की जो वैल्यू होगी वो जीरो ही होगी, ठीक है। तो 1 माइनस 0 तो यहाँ 1 इसका आंसर आ जाएगा टोटली,
अंडरस्टूड। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा कि बिटवीन 20,000 से 30,000 होना चाहिए, ठीक है, तो 20,000 से 30,000 होना चाहिए, तो वो भी कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास x का 20,000 से 30,000, सॉरी x, ये x है, 20,000 से 30,000 होना चाहिए। ओके, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 30,000 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 20,000, तो यह आ जाएगा ना 20,000 से 30,000 के बीच का। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 30,000, इसको स्टैंडर्ड जब स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो z लेस देन 30,000 माइनस मीन 30,000, तो जीरो, तो z लेस देन जीरो यहां से आ जाएगा, क्योंकि तो न्यूमरेटर जीरो बन जाएगा ना, और जब यहां से कन्वर्ट करेंगे तो z लेस देन, तो 30,000 20,000 में से बेसिकली अगर 30,000 गया तो बेसिकली माइनस 10,000 अपॉन में जीरो, सॉरी सेवन, 07.11 ये आ जाएगा। तो जेड जीरो से पीछे का एरिया जहां तक मुझे पता है 50% होता है, याद है, मीन जीरो से पीछे का एरिया 50 और जीरो से आगे का एरिया 50%, और ये कितना आ जाएगा बेसिकली 1,000 डिवाइडेड बाई 707.11, सॉरी 10,000 है ना, 10,000 डिवाइडेड बाई 7, 10,000 है, ये बेसिकली 14 समथिंग आ रहा है। प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन माइनस 14.14 समथिंग, तो ये भी जीरो आएगा, मतलब 0.5 माइनस में जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 ओनली, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट में क्या बोला कि सपोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक्स एंड वाई का, जिसमें 0 0 पे 0.4 है, 0 1 पे 0.2 है, 1 0 पे 0.1 है, 1 1 पे 0.3 है। पहले पार्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF बताओ ऑफ एक्स गिवन डेट वाई इक्वल टू 1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बताओ ऑफ एक्स गिवन डेट वाई इक्वल टू 1, और दूसरे पार्ट में बोला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बताओ गिवन वाई इक्वल टू 0, मतलब डबल मेहनत करवाएगा। ओके, 0 1 1 0, ठीक है, सबसे पहले टेबल बना ले जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आई थिंक बी पार्ट है, एक्स की जो वैल्यू है वो है 0 एंड 1, एंड जो वाई की वैल्यू भी है वो भी है 0 एंड 1। अब इस पे कुछ प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है, 0 0 पे 0.4, 0 1 पे 0.2, 0 0 पे 0.4, 0 1 पे 0.2, और 1 0 पे 0.1, और 1 1 पे 0.3, तो 1 एक सेकेंड, 0 0 पे 0.4 और 0 1 पे 0.1, एक्स का 0 वाई का 1 पे है 0.2, और 1 0 पे है 0.3। ओके, एक्स का 1 और वाई का 0 पे है 0.1, और 1 1 पे 0.3, ये 0.1 है, 0.1 और ये 0.3। ओके, तो ये हमारे पास 4 3 7 दोनों, एक ये बेसिकली वैलिड पीएमएफ हमारे पास आ गया, बेसिकली टेबल हमें निकालना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब हमारे पास x तो दो ही है ना, एक तो 0 और एक तो 1, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बताओ ऑफ x गिवन दैट y इक्वल टू 1, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x गिवन दैट y इक्वल टू 1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x कॉमा y इक्वल टू 1 given that probability of y equal to 1, इतना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो x की एक तो 0 वैल्यू हो सकती है, x equal to 0, तो x equal to 0 पे जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब बेसिकली यहाँ अगर मैं लिखूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें चाहिए x equal to 0 given that y equal to 1, तो इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x equal to 0 comma y equal to 1 given that probability of y equal to 1,
तो एक्स का जीरो वाई का वन, एक्स का जीरो वाई का वन इज नथिंग बट 0.2, तो ये आ जाएगा 0.2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू वन निकालने के लिए हमें बेसिकली, हालांकि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन से हम बताएंगे, बट वाई इक्वल टू वन का जो आएगा वो क्या आएगा, 0.2 प्लस में 0.3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.5, तो 0.2 अपॉन में 0.5, तो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे 2/5 आ रहा है। और एक्स इक्वल टू वन पे क्या आएगा, तो एक्स इक्वल टू वन के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, आप लोग अच्छे तरीके से लिखना, मतलब पहले ये लिखोगे फिर फॉर्मूला लिखोगे, एक्स इक्वल टू वन कोमा वाई इक्वल टू वन होल अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू वन, तब जाके आएगा आपके पास एक्स का वन वाई का वन 3, और वन का तो 0.5, 0.3 और ये 0.5, तो बेसिकली 3/5। तो एक्स के जीरो पे 2/5, वन पे 3/5, 2/5 वन पे 3/5, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आ चुका है ऑफ एक्स गिवन डेट वाई इक्वल टू वन। दूसरे पार्ट में आपको बोला कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू जीरो, भाई रे तो चलो, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू जीरो निकालना है, तो पहले मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू जीरो, तो पहले वो निकाल लेते हैं, मतलब पहले हमें ये निकालना होगा ना, यहां पे निकाले, सबसे पहले हमें निकालना होगा पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्स जिसकी वैल्यू 0 1 है, और इस बार कंडीशन निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स गिवन वाई इक्वल टू जीरो, तब तो एक्सपेक्टेशन निकलेगी। तो सेम रूल सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इस बार y इक्वल टू जीरो रहेगा, तो जब जीरो रखेंगे तो यहाँ पे भी जीरो लेंगे, समझ में आया, तो y इक्वल टू जीरो पे जो इसकी वैल्यू आएगी y इक्वल टू जीरो, तो y के जीरो पे वैल्यू 4 और 1, तो मतलब 5 ही है, मतलब y इक्वल टू वन जीरो पे भी 5 ही है, ध्यान रखना, तो y इक्वल टू जीरो पे अगर 5 ही है तो x का जीरो और यहाँ पे जीरो जीरो आ जाएगा, ये जीरो जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, तो x का जीरो y का जीरो और y का जीरो, तो x का जीरो y का जीरो कितना आ रहा है, देखें यहां से x का जीरो y का जीरो 0.4 है, तो ये वैल्यू 0.4 अपॉन में 0.5, और x का वन और y का जीरो है 0.1, तो ये वैल्यू 1/5, तो कहने का मतलब ये बनेगा 4/5 और ये बनेगा 1/5, और एक्सपेक्टेशन निकालना है तो x इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x गिवन y इक्वल टू जीरो, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इक्वल टू जीरो, तो यहाँ जीरो ये आ जाएगा 1/5, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इक्वल टू जीरो जो आएगा वो आएगा 1/5 विच इज नथिंग बट 0.2। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आई थिंक बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट ही था ना, यस, तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है। अब आगे देखते हैं, देखो सेक्शन नंबर डी में टोटल अटेम्प्ट बेसिकली 10, 11, 12 तीन क्वेश्चन है, 10, 11, 12। मैंने क्या कर रहा हूँ कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने अच्छे से पीडीएफ बना के, मतलब सॉल्व करके पीडीएफ बनाकर स्कैन करके रखा हुआ है, जिनको भी चाहिए होगा, जिनको भी इसमें डाउट है वो मुझे मैसेज करेंगे, जो इनरोल्ड स्टूडेंट है वो तो डायरेक्टली मैसेज करेंगे कि सर सेक्शन डी का सॉल्यूशन भेज दो, तो मैं उसको डायरेक्टली भेज दूंगा, और जो इनरोल्ड नहीं है तो आपको अपना नाम एंड कॉलेज नाम लिख के भेजना है और फिर लिखना है सेक्शन डी का सॉल्यूशन। मैंने क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, 10 का बी पार्ट, थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं जा रहा क्योंकि देख ही रहे हो, और बट आप पीडीएफ देखोगे तो आराम से समझ जाएगा, मैंने बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए। तो 10 का ए पार्ट बना दिया, 10 का बी पार्ट भी बना दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट मैंने नहीं बनाया है, तो मैं इस बार इसको यहाँ पे देख लेता हूँ क्या है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट मैंने उसमें सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट एंड 12 का बी पार्ट, मतलब टोटल क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, बस क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट नहीं सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट पहले लिख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको करना मैसेज। पहले मैं सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट लिखता हूँ, जिसमें आपके पास फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ वाई थीटा इज इक्वल टू वाई पे क्यूब और ई पे पावर माइनस वाई बाई थीटा अपॉन में 6 थीटा पे पावर 4, ई पे पावर माइनस वाई बाई टीटा अपॉन में 6 थीटा पे पावर 4, एंड कुछ वैल्यू दे रखी है वाई वन का 2.3, वाई टू का 1.9 एंड वाई थ्री का 4.6, 2.3, 1.9, 4.6, 2.3, 1.9, 1.9 एंड 4.6, ओके,
जो ये है Y1 की वैल्यू, ये है Y2 की वैल्यू और ये है Y3 की वैल्यू। क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या बोला, गिवन डेट वाई इज दिस एंड इज रैंडम सैंपल ऑफ दिस कैलकुलेट MLE। सबको पता है MLE फोर थीटा, MLE क्या है, ठीक है, मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, बाकी 10 का ए बी, 11 का बी एंड 12 का ए बी, बाकी सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, बस सेक्शन डी का सॉल्यूशन, इस तरीके से सेक्शन डी सॉल्यूशन लिख कर व्हाट्सअप करना है, कौन से नंबर पे, 6203603601 पे, इस पे, ठीक है, मैं आपको भेज दूँ। आप अगर इनरोल्ड है तो आप डायरेक्टली बस सेक्शन डी का सॉल्यूशन लिखोगे और ये भेज दोगे तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इनरोल्ड नहीं है तो मुझे पता होना चाहिए कि आप सेमेस्टर थर्ड का स्टूडेंट है या कोई और है, तो आपको अपना नाम, कॉलेज और सेमेस्टर थर्ड, मतलब नाम एंड कॉलेज लिखना है एंड सेक्शन डी लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा, तो मैं आपको ये सॉल्यूशन भेज दूंगा और PDF में अच्छे से डिटेल्स में दे रखा है, आराम से आप समझ जाओगे। चलिए, तो मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन देखते हैं। फंक्शन मेरे पास गिवन है, आप सभी को पता है, इसको मैं लिख देते हैं एल टीटा के फॉर्म में लिख लेते हैं, एल टीटा वेयर पाई आई इक्वल टू 1 से लेके एन, या कर लोगे आप, सिंपल ही है, चलो मैं कर देता हूँ, वाई क्यूब पी पे पावर माइनस वाई पे पावर टीटा अपॉन में 6 टीटा पे पावर 4, याद आ रहा है। इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, एल टीटा इज इक्वल टू समेशन लिख लेते हैं, समेशन के फॉर्म में ले आते हैं ना, आई इक्वल टू 1 से लेके एन वाई क्यूब ई पे पावर माइनस वाई टीटा अपॉन में 6 टीटा पे पावर 4, इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम लोग लॉग लेते थे कि जिससे कैलकुलेशन इजी हो, तो लॉग एल टीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लॉग लेंगे तो लॉग अंदर ले जाए, समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके n, अब मैं ना समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n नहीं लिखूंगा, बस समेशन लिखूंगा, लेकिन पेपर में आप i इक्वल टू 1 से लेके n अच्छे से लिख लेना। तो ln y3 e पे पावर माइनस y बाय टीटा अपॉन में 6 टीटा पे पावर 4, ओके, चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ln l टीटा इज इक्वल टू समेशन, लॉग को अगर u बाय b के फॉर्म में देखा जाए तो इसको मैं ln y क्यूब इंटू में e पे पावर माइनस y बाय टीटा लिख सकता हूँ, माइनस में ln 6 टीटा पे पावर 4 लिख सकता हूँ, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद सॉरी, जब मैं यहां से बेसिकली और थोड़ा सा अगर ब्रेक किया जाए तो ln l टीटा इज इक्वल टू समेशन यू इंटू भी में अगर देखा जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln y क्यूब प्लस में माइनस y बाय टीटा ln क्यूब, ठीक है, पावर बेस पे आ गया ना, तो सॉरी यहाँ पे भी ना ये कर ही लेते हैं। चलो मैं एक स्टेप अच्छे से लिख ही देता हूँ, क्योंकि क्या पता बच्चों को समझ में ना आए, वैसे तो आप लोग समझ जाओगे यार, इंटेलिजेंट हो, बट फिर भी बेसिकली यहाँ पे यूट्यूब तो ln y क्यूब इंटू में सॉरी प्लस ln e पे एडिशनल रूल मैंने लगा दिया, एडिशन रूल, ठीक है, y टीटा, और माइनस चल रहा है ln 6 टीटा पे पावर 4, ओके। सिमिलरली ln l टीटा इज इक्वल टू समेशन, ये बेसिकली हम लोग 3 ln y लिख सकते हैं, बेस जो है मतलब पावर जो है बेस पे आ गया, प्लस यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो माइनस वाई बाय टीटा लॉग ई का वन ही रहने देते हैं, और यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 ln 6 टीटा लिख सकते हैं, 4 ln 6 टीटा लिख सकते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो सब नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, इसको और नॉर्मली अगर देखे तो समेशन डाल ही देते सब में, तो ln l टीटा इज इक्वल टू 3 बाहर लेके समेशन लॉग y मतलब ln y प्लस यहाँ पे बेसिकली 1 बाय टीटा बाहर लेके समेशन, ये माइनस कर दूं यहाँ, चलिए माइनस बाहर समेशन y, ओके, और माइनस यहाँ पे बेसिकली समेशन 4 ln 6 थीटा, सब कांस्टेंट है तो n टाइम्स कर ले, 4 इंटू में n टाइम्स ln 6 थीटा, ठीक है, तो n टाइम्स आ चुका है।
अब ये सारा नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास आ गया है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डेटा, ठीक है। तो आप डी भी यूज कर सकते हो, डेल भी यूज कर सकते हो। किसी को लग रहा हो कि एफ ऑफ वाई कोमा टीटा है, मतलब दो वेरिएबल पे, तो डेल यूज कर ले, तो डेल भी यूज कर सकते हो। मैं नॉर्मली डी कर रहा हूँ, तो डी एल एन एल टीटा अपॉन में डी ऑफ टीटा जो आएगा, तो ये बेसिकली इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टीटा कुछ नहीं दिख रहा, तो ये जीरो। इसका बेसिकली हमारे पास क्या होगा, टीटा पावर -1, तो बेसिकली यहाँ से आ जाएगा -1 अपॉन में टीटा का स्क्वायर इंटू में समेशन वाई, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 4n अपॉन में ln 6 टीटा का, तो अपॉन में आ जाएगा 6 टीटा, और 6 टीटा का फिर दोबारा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखा जाए तो ये वाला 6 और ये वाला 6 हमारे यहाँ से कट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो फाइनली फॉर मैक्सिमम या मिनिमम, फॉर मैक्सिमा हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी एल एन एल टीटा अपॉन में डी ऑफ टीटा, इसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो कहने का मतलब देखा जाए तो 1 या समेशन ऑफ वाई, डायरेक्टली लिखो समेशन ऑफ वाई अपॉन में टीटा स्क्वायर माइनस में 4n अपॉन में टीटा इज इक्वल टू जीरो, बोलो हाँ। और यहां से अगर देखें तो समेशन ऑफ वाई टीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4n अपॉन में टीटा, और ये टीटा और यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, तो टीटा इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा समेशन ऑफ वाई अपॉन में 4n। समझ में आया? चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये इस टीटा हेड पे, इस एस्टिमेटर पे इसकी वैल्यू, मतलब इस टीटा हेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई अपॉन में 4n पे ये मैक्सिमम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी नेगेटिव, तो जब मैं डी स्क्वायर एल एन एल टीटा करूंगा अपॉन में डी ऑफ टीटा स्क्वायर करूंगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हमारे पास है क्या वैल्यू, अगर आपको मैं थोड़ा सा स्मॉल करके दिखाऊं, तो यहां से हमारे पास है समेशन वाई टीटा स्क्वायर और यहाँ -4n टीटा स्क्वायर। समेशन वाई टीटा स्क्वायर का मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 समेशन ऑफ वाई, नीचे में आ जाएगा टीटा का क्यूब, इसे -2 माइनस, ठीक है, नीचे में टीटा क्यूब आ जाएगा ना, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो, और इसका आ जाएगा माइनस में प्लस 8, 8 ही है ना, आई थिंक सो 8 ही आना चाहिए, टीटा पे पावर -1 नॉट +8 +4 एन अपॉन में टीटा का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। एक बात बताओ, ये रहा -2, ठीक है, समेशन ऑफ वाई अपॉन में टीटा, अभी हम लोगों ने निकाला था समेशन ऑफ वाई अपॉन में 4n, यहां से देखना, समेशन ऑफ वाई अपॉन में 4n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टीटा लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, -2 यहाँ रहने देता हूँ, समेशन ऑफ वाई है ना, समेशन ऑफ वाई, तो मैं ऊपर में क्या कर रहा हूँ, 4n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड नीचे में टीटा क्यूब तो चल ही रहा है, नीचे में भी 4n से डिवाइड करो, ऊपर 4n से मल्टीप्लाई, नीचे में 4n से डिवाइड, प्लस में चल रहा है 4n अपॉन में टीटा का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद अगर हम लोग आगे और सॉल्व करें, टीटा स्क्वायर है ना, नीचे टीटा क्यूब, ओके सब सही चल रहा है ना, हाँ। तो अगर देखे जाए तो समेशन ऑफ 4y अपॉन में 4n को इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टीटा लिख सकते हैं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, -8n टीटा अपॉन में टीटा का क्यूब, ठीक है, क्योंकि समेशन ऑफ 4y अपॉन में 4n का टीटा वैल्यू लिख दिया मैंने, प्लस में 4n अपॉन में टीटा स्क्वायर, यहां से टीटा ये कट के स्क्वायर बच जाएगा, तो -8n अपॉन में टीटा स्क्वायर प्लस में 4n अपॉन में टीटा स्क्वायर विल बी नथिंग बट -4n अपॉन में टीटा का स्क्वायर। स्क्वायर टर्म कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ऊपर में ये बेसिकली लेस देन जीरो आ गया, तो हेंस हेंस फंक्शन इज मैक्सिमम एट टीटा हैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई अपॉन में 4n।
तो ये आपका इसका आंसर हो गया। लेकिन सिंस इसमें कुछ वैल्यू दे रखी थी तो उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब जैसे कि मतलब कुछ सैंपल दे रखा था वाई वन वाई टू वाई थ्री का वैल्यू, तो तीन सैंपल दे रखा था, तो वहां से अगर मुझे टीटा हैट निकालना होता तो टीटा हैट कैसे निकलेगा, वाई वन समेशन ऑफ वाई, तो मतलब जितना वाई की ऑब्जर्वेशन दे रखा है, तो वाई का ऑब्जर्वेशन दे रखा है वाई वन प्लस में वाई टू प्लस में वाई थ्री अपॉन में फोर एन, इन फोर और एन, एन क्या है तो यहाँ पे तीन है, तो फोर एन मतलब थ्री, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वाई का तीन ही ऑब्जर्वेशन है वाई वन वाई टू वाई थ्री। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने शुरुआत में वाई वन वाई टू वाई थ्री की वैल्यू लिखी थी ना यहाँ पे, ये तो y1 y2 y3 की वैल्यू लिखना प्लस करके डिवाइड बाय 12 कर देना तो आपके पास वो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब एग्जैक्ट मतलब ये बेसिकली आपको एक प्रैक्टिकल दिया कि आपने ये प्रूफ तो कर दिया कि इस पे मैक्सिमम होगा, अब एक सैंपल को करके दिखाओ। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट 2019 का स्टैट्स का पेपर, सिंपल पेपर था, और मेरे हिसाब से जिन्होंने थोड़ा सा भी अच्छे से पता है, स्टैट्स एक स्कोरिंग पेपर है, अगर आपको बेसिक पता है, फॉर्मूला पता है, टेबल देखने अगर आपको आता है अच्छे तरीके से, तो आप इसमें फुल में फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। बट फिर भी कहीं पे मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया हो तो उसके लिए पहले से माफी चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, एंड जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया स्किप कर दिया तो वो आप मुझसे मैसेज करके ले सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।